नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी हनीवेल से, जिन्होंने हमारे देश में एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर दिया है और हरियाणा के गुरुग्राम में बनकर तैयार हुआ है, जिसके लिए हमारे देश की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। दोस्तों, हनीवेल बड़े स्केल पर एजियल बर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और अभी इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारे देश में सेटअप की है, वहाँ पर जितने भी सिस्टम डेवलप किए गए हैं उनकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग काम भी इंडिया में ही किया गया है। 41,000 स्क्वायर फीट के एरिया कवर करती है, जहाँ पर FAA सर्टिफाइड एजियल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है और अगले एक दो हफ्ते के अंदर अंदर प्रोडक्ट्स का पहला बैच भी लॉन्च हो जाएगा। अगली दो सब डेटिंग लगा रही है हमारी यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहाँ पर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए 80,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होती हुई देखने को मिलेगी और इसके अंतर्गत कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन सॉइल भी रख दिया गया है। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट कई सारे मल्टीपल एरियाज में होती हुई देखने को मिलेगी और अभी जो फाउंडेशन सॉइल रखा गया है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए रखा गया है। इस प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के ऊपर 559 करोड़ की इन्वेस्ट किए जाएंगे। हालांकि जो और इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर कोई डिटेल तो सामने नहीं रखी गई है, लेकिन फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट होगी होगी और एक बार जब इम्प्लीमेंट कर दी जाती है तो ओवरऑल 5 लाख के आसपास इसके थ्रू जॉब जनरेट होती हुई देखने को मिलेंगी। अगली दो सब डेटिंग निकल रही है स्टील मेकर ArcelorMittal निपोन स्टील से, जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो ओडिशा स्टेट में उनका एक न्यू स्टील प्लांट सेटअप करने वाले हैं और अगले साल के स्टार्टिंग में मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ही उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, ArcelorMittal निपोन स्टील इनके द्वारा जो प्लांट सेटअप किया जाना है वो ओडिशा के पारादीपपुर के आसपास बनकर तैयार होगा। प्लांट की कैपेसिटी 7 मिलियन टन पर एनम की होगी और 1485 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। इस प्रपोजल को ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल भी दे दी गई है, साथ साथ इनको लैंड भी अलॉट की जा चुकी है। ये प्लांट इनका ओडिशा साइड में पहला ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जिसमें 60% स्टेक ArcelorMittal का होगा जबकि 40% स्टेक जापानीज कंपनी निपोन स्टील का होगा। टोटल 38,000 करोड़ रुपये की बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर होती हुई देखने को मिलेगी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाना है तो जनवरी के आसपास आपको ये होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगली दो सब डे निकल कर आ रही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों डे बाई डे ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स की लिस्ट में गिफ्ट सिटी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करती जा रही है और अभी न्यू रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स की रैंकिंग में या फिर इंडेक्स में गिफ्ट सिटी की रैंकिंग 75 से 67 पर आ गई है। दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स एक ऐसा सिटी इंडेक्स है जो दुनिया भर की सिटीज को उनकी फाइनेंशियल वर्किंग के अकॉर्डिंग रैंक करता है और क्योंकि अभी के समय में गिफ्ट सिटी दिनों दिन बड़ी होती जा रही है तो इसी के चलते गिफ्ट सिटी की रैंक भी इंप्रूव होती देखने को मिल रही है। अभी तक गिफ्ट सिटी में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की टोटल वैल्यू $508 बिलियन पर पहुंच चुकी है। टोटल बैंकिंग एसेट्स का साइज $41.2 बिलियन के आसपास। IFSC के पास में 545 कंपनीज रजिस्टर भी कर चुकी हैं। IFSC के इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मंथली टर्नओवर $60 बिलियन क्रॉस कर चुका है और ये इनफ रीजंस हैं जो बता सकते हैं कि गिफ्ट सिटी काफी तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ग्रोथ हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। अगली दो सब डेट निकल कर आ रही है पुणे से, जहां पर दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और इम्प्रूव करते हुए PMPL के द्वारा डिसाइड किया गया है कि पुणे में 300 बस शेल्टर्स को सेटअप किया जाएगा और इसके लिए कंपनीज को टेंडर दे दिए गए हैं। दोस्तों, ऐसे ये ओरिजिनल प्लान आज से 3-4 साल पहले सामने रखा गया था लेकिन उसके ऊपर कोई काम हुआ ही नहीं था और अब जाकर ये प्लान आगे जाता हुआ देखने को मिल रहा है और क्योंकि अभी टेंडर भी दे दिए गए हैं तो 300 में से 90 बस शेल्टर्स का काम पहले होता हुआ देखने को मिलेगा और 3 महीने के अंदर अंदर बना दिए जाएंगे। टोटल 300 बस शेल्टर्स 315 डेज में बनेंगे। ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि एक दिन के अंदर अंदर एक शेल्टर बनकर तैयार हो जाएगा। अभी के समय पुणे PMRDA रीजन और पिंपरी चिंचवाड़ को मिलाकर PMPL के पास में टोटल 5,000 से ज्यादा बस स्टॉप्स हैं लेकिन बस शेल्टर सिर्फ 1100 स्टेशन के आसपास ही बने हुए हैं और जिन बस स्टॉप्स पर बस शेल्टर्स नहीं है वहां पर धूप या फिर बारिश के समय लोगों को मुश्किल आती है। इसको रिड्रेस करने के लिए ये बस शेल्टर्स बनकर तैयार होंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंडर दे दिए गए हैं तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर काम भी स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगली दो सब डे निकल कर आ रही है इंडियन EV मेकर वन इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, जिन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज में भी उनके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है और अब वो अफ्रीकन मार्केट में उनके फुटप्रिंट एक्सपेंड करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि अफ्रीकन टू व्हीलर मार्केट पूरी तरह से इंडियन कंपनीज ने कैप्चर कर रखा है और इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि चाइनीज कंपनीज को पहले वहां से भगाकर इंडियन कंपनीज ने वहां पर अपना दबदबा जमाया है। इसी दबदबे को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में कंटिन्यू करने के लिए हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने अफ्रीकन मार्केट में एंट्री करनी स्टार्ट कर दी है और अभी के समय में वन इलेक्ट्रिक जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं वो अफ्रीकन कंट्री केनिया में स्टार्ट किए हैं। अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग का पहला बैच रोल आउट हो जाएगा और 2 महीने के अंदर अंदर वो एक और कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। बड़े दोस्तों, ये अपडेट की तरफ चो निकल कर आ रही है एक न्यू एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों वारंगल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लैंड एक्विजिशन के लिए अप्रूवल दे दी गई है और फाइनली आप कह सकते हैं कि ममनूर एयरपोर्ट का काम अब आगे जाता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों, वारंगल में जो ममनूर एयरपोर्ट है ये 1981 तक ऑपरेशनल था और उसका हालांकि इसको बंद कर दिया गया था
लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने ट्राई कर लिया कि दोबारा से इसको रिवाइव किया जाए। रिवाइवल प्लान के अंतर्गत रनवे को 1.8 किलोमीटर से इंक्रीज करके 3.9 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा, जिसके चलते बोइंग 747 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ये काफी इजीली हैंडल कर पाएगा और बड़े स्केल पर पैसेंजर्स को कैटर करने के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग भी यहाँ पर बनकर तैयार होनी है। बाकी जो एयर साइड फैसिलिटीज बनती है वो तो यहाँ पर बनकर तैयार होंगी होंगी। इस एयरपोर्ट के रिवाइवल के लिए फिर एक्सपेंशन के लिए हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 949 एकड़ ऑफ लैंड चाहिए, जिसमें से 696 एकड़ उनके पास ऑलरेडी है, जबकि रिमेनिंग 253 एकड़ एक्वायर करनी पड़ेगी। और इसी को ही एक्वायर करने के लिए भी तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दी गई है। एयरपोर्ट की डेवलपमेंट को लेकर या फिर रिवाइवल को लेकर डीपीआर भी बनकर तैयार हो गई है, तो देखते हैं कि एक्चुअल काम कब तक स्टार्ट हो पाता है। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को लेकर भारत पूरी दुनिया में मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गया है और जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं आने वाले समय में ये पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों रिसेंटली डिलोइट कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और उसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया के 50% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हमारे देश में ही हैं और इसी के चलते ही भारत पूरी दुनिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए नंबर वन डेस्टिनेशन रहा है। इसके बाद पोलैंड और मैक्सिको इनको अगली रैंक्स दी गई हैं। और अभी जैसे मैंने आपको गुजरे पहले ये भी बताया था कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को लेकर हमारे देश में काफ़ी तेजी से काम हो रहा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगले 5 सालों के अंदर 2000 के आसपास ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हमारे देश में बनकर तैयार होंगे, जिसके चलते भारत की यह पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होती हुई देखने को मिलेगी। और एक अच्छी बात ये भी होगी कि इसके चलते बड़े स्केल पर जॉब जनरेट होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि 2000s के टाइम पर BPO एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पर भारत को मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन माना जाता था और उसके चलते बड़े स्केल पर हमारे देश में जॉब जनरेट हुई थी। उसी तरह का सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगली दो सब डे निकल कर आ रही है फ्रेंच इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थॉमसन से रिलेटेड, जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो हमारे देश में उनके लैपटॉप्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इसके लिए वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ में डील को फाइनलाइज कर रही हैं। दोस्तों थॉमसन अभी के समय हमारे देश में उनके स्मार्ट टीवी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, हालांकि वो खुद तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, नोएडा बेस्ड कंपनी सुपर प्लास्टोनिक्स उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और अभी के समय में ना तो इनके लैपटॉप्स हमारे देश में बेचे जाते हैं और ना ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, पर क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उसके चलते न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, तो इसी के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारे देश में लैपटॉप्स की प्रोडक्शन भी करेंगे, साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे भी। मोस्ट प्रोबेबली सुपर प्लास्टोनिक्स को ये टेंडर दिया जाएगा और इनके साथ में मिलकर लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। एंट्री लेवल से लेकर अल्ट्रा प्रीमियम लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग इनके द्वारा की जाएगी, तो देखते हैं कि कब इसके ऊपर एक्चुअल काम स्टार्ट हो पाता है। आज के दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों चांद पर पहुंचने के बाद अब इसरो ने आदित्य L1 मिशन के ऊपर फोकस कर दिया है और इसरो का प्लान है कि सितंबर में इसको भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों अभी तक आप सबको पता चली गया होगा कि कल हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और अब इसरो ने उनका नेक्स्ट गोल आदित्य L1 मिशन को बनाया है और यही लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी के समय में आदित्य L1 मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में तैयार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन जो कि हमारा पहला सोलर मिशन होगा उसका लॉन्च सितंबर के पहले वीक में मोस्ट प्रोबेबली होता देखने को मिलेगा। हालांकि डेट तो कोई फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन 7 सितंबर इसकी डेट हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।